अब इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बेसन के लड्डू हर घर में ना बने। उसके लिए एक पैन ले लेते हैं, इसमें एक कप के जितना घी डाल देंगे, घी को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, दो कप के जितना बेसन डाल देंगे और इसको 8 से 9 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए अच्छे से भून लेंगे। लास्ट स्टेज में थोड़े से यहाँ पर ड्राई नट और एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, 1 मिनट के लिए फिर से चला लेंगे। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और आधा कप के जितनी पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अब लड्डू बना रहे हैं तो चीनी ऊपर नहीं डालनी होती है, लेकिन इन लड्डू में चीनी ऊपर ही डाली जाती है। जब ये अच्छे से इसमें घुल जाएगी, इसको एक बर्तन में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। आधा चम्मच के जितना इलायची पाउडर और आधा कप के जितना पिसी हुई चीनी या फिर बूरा डाल देंगे। अच्छे से मिश्रण को तैयार करेंगे जब तक मुठिया सी ना बनने लगे। और ये लीजिए, हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। एक के बाद एक लड्डू मैंने आपको दिखा दिया है और साथ में इनका टेक्सचर भी देख लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों।